ये बात हो रही थी कि अस्तित्व जो है, ये जो पूरा अस्तित्व है, ये सह अस्तित्व के फॉर्म में है। इसमें इकाइयां हैं और इसमें शून्य है, और जो इकाइयां हैं वो शून्य में संपृक्त हैं, इमर्स्ड हैं, सबमर्ज्ड हैं व्यापक में। और इस फॉर्म में ये जो अस्तित्व है, ये नित्य वर्तमान है, एवर प्रेजेंट है, ऐसा ही है, ऐसा था, ऐसा है, ऐसा रहेगा, नित्य वर्तमान। ये जो इकाइयां हैं, ये इनका आकार सीमित है, साइज लिमिटेड है। अगर हम व्यापक को देखते हैं तो व्यापक में ये कुछ न सीमा नहीं है, सीम है, अनलिमिटेड, ऑल पर्वेडिंग। एक और जो मेजर डिफरेंस हमें दिखता है यूनिट्स और स्पेस व्यापक के बीच में, वो है कि यूनिट्स में क्रिया है, सारे यूनिट्स, सारी इकाइयां क्रियाशील है, लेकिन जब हम व्यापक को देखते हैं तो व्यापक में क्रिया नहीं है, क्रिया शून्य है व्यापक, इसीलिए उसको कई बार शून्य कहते हैं। फिर जब हम यूनिट्स को देखते हैं तो यूनिट्स भी दो दो प्रकार के हैं, जड़ और चैतन्य, और इन दो में भी काफी अंतर है क्योंकि हमने बात करी है इसकी। तो जड़ में पहचानना, निर्वाह करना, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, ये है, और ये एक बहुत डेफिनेट तरीके से है, इसमें बदलाव नहीं आता रहता। जिस तरह से रिकॉग्नाइज होता है वैसा ही फुलफिल करता है, और वो वैसे ही होता है हर जड़ इकाई में। चैतन्य इकाई में ऐसा नहीं है, चैतन्य इकाई में जो हमारा पहचानना, निर्वाह करना है, वो मानने पर आधारित है। ये मानना जान के भी हो सकता है, बिना जाने भी हो सकता है। तो जब ये बिना जाने होता है तो ये बदलता रहता है, हम देखेंगे। जब भी हमारा मानना चेंज होता है तो हमारा पहचानना, निर्वाह करना भी चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम जान जाएंगे, जब हम पूरी पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा उसको देख पाएंगे, तब हमारा मानना उसी पे आधारित होता है, जो हमने एक्सेप्ट किया है अस्तित्व के बारे में, वो एक्सेप्टेंस जान के होता है, मतलब हम उसको जान जाते हैं तब उस पे होता है। तो फिर हमारा पहचानना, निर्वाह करना डेफिनेट हो सकता है। तो मटेरियल का एग्जाम्पल, जड़ का एग्जाम्पल, बॉडी, बॉडी में देख सकते हैं डेफिनेटनेस, के पहचानना, निर्वाह करना एक ही प्रकार से होता है हमेशा। तो आप कुछ कुछ चीज खाते हैं, आपने इंस्ट्रक्शन दिया बॉडी को, अगर आप ये इंस्ट्रक्शन देंगे ना कि बॉडी ने खाना है, अब अगर वो बॉडी के लिए पोषक होगा तो वो पोषण करेगा, तो वो जो फूड था उसका बॉडी के साथ जो पहचानना, निर्वाह करना है, वो एक बहुत डेफिनेट तरीके से है। अगर आपने कुछ ऐसा दिया शरीर को, मतलब ऐसा इंस्ट्रक्ट किया खाने को जो कि पोषक नहीं है, जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो वो बॉडी में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। वो बॉडी में ये चॉइस नहीं है कि वो उसको ना ले, या उसको उसका जो पहचानना, निर्वाह करना है उसको बदल दे, वो क्षमता बॉडी में नहीं है, वो चॉइस ही नहीं है। सो इस तरह से वो डेफिनेट है, लेकिन हम अपने आप में, सेल्फ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा मानना चेंज होता है वैसा वैसा हमारा पहचानना, निर्वाह करना भी चेंज होते रहता है। आज हमने कुछ मान लिया, कुछ चीज सही है शरीर के लिए, पोषक है, तो हम उसी को देने में जुट जाते हैं। कल हमारा मानना बदल गया तो हमारा व्यवहार, हमारा जो जो हम बॉडी को दे रहे हैं वो भी बदल जाता है। ऐसे हम देखेंगे कि हमारा जो पहचानना, निर्वाह करना है, वो हमारे मानने के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक हम जानते नहीं हैं, जब तक हम पूरा अस्तित्व को जैसा है वैसा देख नहीं पाते हैं, जब तक वो पूरा पिक्चर हमारे सामने नहीं है, तब तक हम कुछ भी मान के उसके हिसाब से पहचानना, निर्वाह करना करते रहते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि हमारा संबंध सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ है, तो हमारा पहचानना, निर्वाह करना उनके साथ एक तरीके का है, लेकिन बाहर दूसरे लोगों के साथ अलग है, क्योंकि हमने उनके साथ कुछ और माना हुआ है। हमने ऐसा माना है कि हमारा संबंध उनसे नहीं है,
इवन अपने फैमिली मेंबर्स में हमने कुछ मान लिया कि छोटों को बड़ों की बात सुननी चाहिए, तो जब छोटे बड़ों की बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं सुनते, तो हमारे हमने क्योंकि ऐसा माना हुआ है कि उनको सुनना चाहिए, हमारा पहचानना निर्वाह करना बदल जाता है, हमारा भाव बदल जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पहचानना निर्वाह करना है वो बदलते रहता है, और उसको निश्चित करना, डेफिनेट करना, उसके लिए हमें जानने तक जाना पड़ेगा। तो ये जो जड़ है, सो जड़ जो है वो टेम्परेरी है, उसमें ना रचना विरचना होती रहती है, और फिर जो चीज रची गई वो ब्रेक डाउन करके वापस ना मिल जाती है सारे एलिमेंट्स के साथ। लेकिन जो चैतन्य इकाई है वो एक कंटिन्यूअस इकाई है, टाइम में लिमिटेड नहीं है, निरंतर है, पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, वो उसमें कुछ ब्रेकडाउन फॉर्मेशन ऐसा नहीं होते रहता। एंड ऑफ कोर्स जब हम व्यापक की बात करते हैं तो वो तो नित्य वर्तमान है, ना तो वो टाइम से लिमिटेड है, ना वो स्पेस से लिमिटेड है। जी, तो हमें दिखेगा कि पूरा अस्तित्व जो है उसमें एक व्यवस्था है, चीजें हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, हम उसको कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी एक व्यवस्था है ही। सूरज का धरती के साथ जो पहचानना निर्वाह करना है, प्लांट्स का हमारे साथ जो पहचानना निर्वाह करना है, वो देखेंगे तो सब एक व्यवस्थित ढंग से चलते जा रहा है, हमें उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस उसको समझना है और उसके लाइन में जीना है, लेकिन उतना हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो जो इकाइयां हैं, हमने कहा कि वो साइज में सीमित हैं, लिमिटेड हैं, उनके अंदर क्रिया है, हर इकाई में हम देखेंगे एक ऊर्जा है, एनर्जाइज्ड है, सो उसमें एक्टिविटी हो ही रही है, कहाँ से वो ऊर्जा आ रही है ही, हर इकाई में एक व्यवस्था है ही, हर यूनिट सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, और हर इकाई अपना संबंध दूसरी इकाई के साथ पहचानती है और उसका निर्वाह करती है। तो रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट जो है इकाइयों के बीच वो डेफिनेट है ही। व्यापक को देखें तो जैसा हमने कहा, व्यापक में कोई क्रिया नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, और उसमें कोई भी साइज में भी लिमिट नहीं है। दूसरी बात जो हमने कही थी, नित्य वर्तमान है, साइज में भी लिमिटेड नहीं है, टाइम में भी लिमिटेड नहीं है। लेकिन अगर हम यूनिट्स को देखें, यूनिट्स में दो प्रकार के यूनिट्स हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ जो है वो टेम्प्रेरी है, समय में सीमित है, एक समय के बाद बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो चैतन्य है वो कंटिन्यूअस है, वो समय में सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है इन टाइम। और जड़ में पहचानना निर्वाह करना है, और जो चैतन्य है उसमें पहचानना निर्वाह करना मानने के ऊपर है, वो मानना जाने बिना भी हो सकता है या जान के भी हो सकता है। तो इसमें हमने देखा था मटेरियल यूनिट्स में, जड़ यूनिट्स में फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, ये दो की बात हुई थी, ये दो ऑर्डर्स हैं। तो फिजिकल ऑर्डर जो है उसमें एटम्स, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लंप फ्लूइड, ये सब बनता है, और पूरा ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी स्ट्रक्चर्स होते जाते हैं, और इन्हीं से फिर बायो ऑर्डर बनता है। बायो ऑर्डर में सेल एक कोशिका से
लेकर और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बहुत सी कोशिकाएं मिलके और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो उसी से सब प्लांट्स बनते हैं जो जानवरों के जीवों की जानवरों की जो शरीर है वो भी इसी में आता है, बायो ऑर्डर में। हमारा भी जो शरीर है वो भी इसी में आता है, तो ये इसका हिस्सा है। लेकिन जब हम चैतन्य इकाई को देखते हैं तो हम जो चैतन्य इकाई है जब वो एक एनिमल के शरीर के साथ एसोसिएट करती है तो उसको फिर हम एनिमल ऑर्डर में रखते हैं, वो उसको हम एनिमल कहते हैं। ये चैतन्य इकाई जब एक ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बॉडी के साथ एसोसिएट करती है, मानव शरीर के साथ, फिर हम उसको ह्यूमन बीइंग बोलते हैं और उसको ह्यूमन ऑर्डर में रखते हैं। तो ये देखिएगा कि बाकी सब जो ऑर्डर्स हैं वो तो एक दूसरे के लिए पूरक हैं, ना संबंध को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। एक मानव ही ऐसा है जिसमें के ये पहचानना निर्वाह करना बदलते रहता है, डेफिनेट नहीं है। हमारा कॉन्डक्ट डेफिनेट नहीं है। तो ये डेफिनेटनेस कैसे आएगी? ये डेफिनेटनेस जानने से आएगी। जब तक कि हम B2 ब्लॉक में ही सब एक्टिविटीज करते जा रहे हैं और ऊपर की क्रियाओं के बारे में हमें होश नहीं है, तब तक वो जो है उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। वो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो कुछ समय के लिए रहेगा, फिर बदल जाएगा और वो उसका ना फिर से वो एक साइक्लिक ढंग से चलता है। तो उसको हमको फिर से करना पड़ता है ना, हर हर जर्नी में। तो वहां उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते, वो साइक्लिक है, जैसा कि जड़ में दिखता है, फिजिकल ऑर्डर में, बायो ऑर्डर में। लेकिन अगर हम अपने अंदर जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उन पर ध्यान दें, उनके प्रति सजग हो जाएं, तो फिर हमारा ऊपर तक जो रियलाइजेशन तक की स्थिति है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। उसकी क्षमता हम सब में, वो पोटेंशियल है, भले ही अभी हम वहां तक ना पहुंचे हों, लेकिन सब में ये पोटेंशियल है। तो हम वहां तक पहुंच के सही समझ के साथ जब हमारा भाव सही हो जाता है तो फिर हमारा बहुत एक नेचुरल ढंग से, सहज ढंग से ये हमारे विचारों में और हमारे जो व्यवहार है, कार्य व्यवहार, उसमें छलकता है। तब वो हमारा जो व्यवहार है वो डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ये जो डेवलपमेंट है इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। और ये जो डेवलपमेंट है ये साइक्लिक नहीं है, ये नॉन साइक्लिक है, ये लीनियर है। तो जो जो हम इसमें काम करते जाते हैं, जैसे जैसा हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, फिर हम वापस नीचे नहीं गिरते। एक पॉइंट आएगा जब हम वहां तक पहुंच गए तो फिर हम वापस नीचे नहीं आते। किसी के रिफ्लेक्शंस हैं या कुछ प्रश्न है या कुछ है तो ले सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम जहां तक हम मैं समझ भाई मेरे को समझ आया कि जी जो चेतना है वो उसको हमें डेवलप करना है, चेतना मीन्स आप चैतन्य बोल रहे हैं। कॉन्शियस को। कॉन्शियस जब भी अवेयर हो सकती है जब हमें ज्ञान हो। तो भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं कहाँ तक पहुंच पाई हूँ, कि मैं अपनी जांच और परख खुद तो नहीं कर पा रही, शायद यहाँ से पता चल जाए कि हम किस
कितना समझ पाए हैं यूएचवी में जिस कंटेंट को लेके, कि चेतना को अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग के पीछे जो ज्ञान है उसको उजागर करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे सह संबंध अच्छे हो पाए और सह संबंध का निर्वाह हम कर पाए और उसमें हम अपने को जांच परख कर सकें। और उसमें मैंने अपने आप में ये चेंज देखा है कि पहले कोई भी कोई बात करता था उसका इमीडिएटली मैं बिना सोचे समझे, भाई आदत बनी हुई है तो हम बोल देते थे, अब ऐसे लगता है नहीं हमें पहले उसके पीछे कुछ को समझना है, उस बात की व्यवस्था को समझना है, फिर उस अवस्था में समझ के फिर निर्वाह करना है। जी, अब इसमें देखें तो हमारे जो हम यानी मैं सेल्फ, हाँ है ना, जी, मैं चैतन्य कहें जो भी कहें यानी मैं, तो मेरे अंदर जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनको विकसित करने की बात है, जैसा आपने कहा है ना, जी जी जानने तक जाना है। अब वो जानने के लिए हम, एक तो होता है कि हम कहते हैं जब हम जान जाएंगे तब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना जी। तो वो जान जाएंगे वो कैसे होगा? तो अभी अभी भी हम देखें तो हम चाहे अभी जाने ना हो लेकिन उसकी एक छोटी सी झलक हमारे पास है ही, सहज स्वीकृति के फॉर्म में, है ना। तो हम उसको कितना रेफर कर रहे हैं, जैसे जैसे हम उसको रेफर करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे हम ये जो हायर एक्टिविटीज है हमारे अंदर इनके प्रति सजग होते जाएंगे, क्योंकि एक्टिविटीज तो वही है, हमें ही नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी, हमें समझ नहीं है। हमें ही नहीं दिख रहे क्योंकि हम अपने आप में B2 ब्लॉक में ही बिजी हैं, हमारे जी, भाव विचार ठीक नहीं होते तो हम उधर एक जैसे धुआं होता है, धुएं के पार हमको दिखता नहीं है ना जी, धुआं छटता है तो हमें दिखाई देने लगता है, तो जी, वैसे जी। ही कुछ है, वो जो हायर एक्टिविटीज है हमारे अंदर ही हैं लेकिन अभी हमें दिखते नहीं क्योंकि अंदर ही बहुत गड़बड़ शड़बड़ चल रहा है। तो जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा भाव विचार ठीक होते जाता है, वैसे वैसे जैसे जैसे हम अपने अंदर ध्यान और देते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे ये जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं हमारे अंदर उनके वो प्रति जागर हम होने थोड़ा लगते, थोड़ा हाँ सजग होने लगते हैं। सजग होने लगते। पर अभी तो ये सिर्फ हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई है, अब बिल्कुल, वो बिल्कुल। प्रोसेस कैसे करेगी वो तो टाइम लगेगा ना मैम उसमें तो शायद। बिल्कुल बिल्कुल टाइम लगेगा उसमें, तो जी बहुत समय लगेगा लेकिन यस मैम, इतना तो पता चल गया कि जाना कहाँ है ना। हाँ जी 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 टाइम था रास्ता जैसे तो कि नजर आपने आ रहा है कहा, पर चलना तो हमें ही है। बिल्कुल बिल्कुल, समझना हर एक को अपने आप ही है लेकिन अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली या किसी ने कुछ बात कही, अब वो बात हमने सुनी है ना, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, हमने उस जी पर थोड़ा मंथन किया, थोड़ा चिंतन किया है ना, जी जी हम उस पर ध्यान दिया, अपने अंदर जांचा, देखा है ना, अपनी सहज स्वीकृति को रेफर किया, फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस जब चलते जाता है तो फिर हमें और धीरे धीरे दिखने लगता है, वो एक बहुत नेचुरल सहज तरीके से होगा। अगर हम उसमें सोचे कि ये तो इतना टाइम हो गया देखो अभी तक नहीं हमको ये दिखा, ये रिएक्शन हुआ, अगर हम वहां हैं तो हम फिर वापस आ गए B2 ब्लॉक में गिर गए, यस है ना। मैम, हाँ तो हम उसको बस देख लें कि ठीक है हमें समय लग रहा है, कोई बात नहीं समय तो लगेगा ही, लेकिन हमारा फोकस क्या है, मतलब हम चाहते क्या है, हम सुखी होना चाहते हैं है कि नहीं, यस मैम, जी और हम जी जी सुखी होना चाहते हैं हर क्षण, तो जी जिस क्षण ये रिएक्शन आए हमारे अंदर उस क्षण हम अपने आप को पूछें कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते तो सुखी होना है, जी हम उस क्षण उसी समय सुखी हो सकते हैं, हमें क्या रोक रहा है उससे, कुछ नहीं रोक रहा है ना।
हम खुद ही उसके दुखी पीछे। होते रहते हाँ हैं, जी जी हम दुखी जी होते रहते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि जब हमारी समझ हो जाएगी तब हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन अभी क्या, इस क्षण क्या, इस क्षण तो हम अभी सुखी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, है ना जी जी कुछ थोड़ा अब थोड़ा हमारे समझ आ रहा है। आगे जी देखो कहाँ तक सफर ऊपर तक हम ले जा पाते हैं, पर नहीं ले हैप्पीनेस जा की फीलिंग पाएंगे, तो सबको जाना वही हाँ है, सभी हाँ जाएंगे जी वहां, जाना तो जी है जी ना, जी किसी को थोड़ा कम समय राइट लगेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना, समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहुंचेंगे तो वहीं सब लोग, है ना ठीक ओके जी। थैंक यू मैम तो जैसा वो पहाड़ चढ़ने की बात है ना, हम जी पहाड़ चढ़ रहे हैं तो हम यही सोचते रहे कि भाई जब ऊपर पहुंचेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, जब ऊपर पहुंचेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और पूरी नहीं यात्रा हम दुखी हो के काट देते हैं। वो तो हम काट चुके, जो पीछे काट के आए हैं वो तो काट चुके, अब और नहीं होना मेरे को। उसके लिए हम जहाँ हैं अभी वहीं जी पर हम वो पहाड़ में हम वो फूल पत्ते उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, है ना, जी हमको सुखी होने से तो कुछ नहीं रोक रहा, लेकिन हम ही कोई अपने नहीं अंदर बोलता वो बनाए हुए हैं कि हम अभी सुखी दुख नहीं को। हो सकते, जब हम ऊपर पहुंचेंगे तभी सुखी होंगे, है ना राइट राइट मैम ये बात तो बिल्कुल सही। हाँ मैम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि हम जब ऊपर पहुंचेंगे तभी क्या तो क्यों। सही कहा बिल्कुल ओके थैंक यू मैम। ओके जी, हेलो दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी। दीदी यहाँ पे स्लाइड में जो डेवलपमेंट लीनियर एंड नॉन साइक्लिक जो अपन बोलते हैं, मींस वंस इट इज रीच यू मींस अचीव एंड देन इट इज जनरेशन आफ्टर जनरेशन इट विल बिकम साइक्लिक ओनली ना। हाँ देखिए, अभी ये जो बात हो रही है ये एक सेल्फ की बात हो रही है ना, तो वो सेल्फ में जब आपने एफर्ट किया, आपने अपनी सूक्ष्म क्रियाओं के प्रति आप सजग हुए, हायर एक्टिविटीज के प्रति, तो आप में जो जो आप देख पाए उस चीज को, वो आपके अंदर ही रहेगा, अब वो वापस आप नीचे नहीं गिर जाएंगे, इस तरीके से इट इज नॉन साइक्लिक, इट इज लीनियर। लेकिन अगर आपको परंपरा में लाना है तो उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा ना, बाहर कुछ करने के लिए सब में समझ हो उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ अपने में काम करने तक सीमित रह जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। परंपरा में लाना है तो, ट्रेडिशन में लाना है तो, उसके लिए ये प्रोविजन करना पड़ेगा कि हर इंसान, हर बच्चे में ये अवसर हो, ये पॉसिबिलिटी हो, ये अवेलेबिलिटी हो कि ऐसे प्रस्ताव उसके सामने रखे जाएं ताकि वो अपने अधिकार पर जान पाए और उनको फिर आगे एक्सप्लोर करके खुद से देख पाए, क्योंकि समझ तो हर एक को अपने में खुद को डेवलप करनी पड़ेगी, हम दूसरे को समझा नहीं सकते, हम उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वर्ड्स बता सकते हैं, है ना, चीजें दे सकते हैं पढ़ने को, लेकिन अल्टीमेटली देखना तो उसको अपने अंदर ही है। सो उसका जो ट्रेडिशन जो हम चाह रहे हैं, दैट कैन बी अ कंटिन्यूअस ट्रेडिशन, लेकिन उसके लिए एवरी इंडिविजुअल, हर ह्यूमन बींग को अपना एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि हम उनको इस पूरे कार्य को हम उनके लिए आसान कर सकते हैं विद दिस, कि हम अपना एफर्ट करके करें, इसीलिए इतना फोकस यूएचवी का एडुकेशन के ऊपर है, ताकि एडुकेशन से एटलीस्ट ये अवेलेबिलिटी हो, ये अपॉर्चुनिटी हो, हर एक को ये अवसर हो कि वो इस बात को सुन सकें, इन प्रस्तावों को अपने अंदर जांच सकें और फिर आगे उस पर काम करके खुद समझ सकें। कैन सी दैट?
राइट मींस बिफोर अप टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर वंस वी अचीव द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर देन इट मे बी बिकम साइक्लिक अदरवाइज इट विल बी लीनियर एंड नॉन साइक्लिक राइट हाँ बट यू हैव टू सी इट विद इन योर सेल्फ कि जैसे अपने अंदर नाउ आई कैन सी फॉर माई सेल्फ और यू कैन सी फॉर योर सेल्फ दैट जब तक आप अपने लोअर एक्टिविटीज में रहते हैं अब आपने कुछ याद किया आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है ना आपने वो इन्फॉर्मेशन लिया कुछ समय के लिए आपको याद रहा फिर आप भूल गए है ना सेल्फ भी एक जर्नी में कुछ सीखा कुछ स्किल नेक्स्ट जर्नी में फिर से एबीसी से स्टार्ट किया है ना तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस मिट जाता है फिर हमको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है तो वो उसको डेवलपमेंट ना कह के वो जो है वो एक तरह से साइक्लिक नहीं है लेकिन आई मीन साइक्लिक है लीनियर नहीं है लेकिन जब हम B1 की तरफ बढ़ते हैं जब हम हायर एक्टिविटीज के प्रति सजग होने लगते हैं तो हमें दिखेगा कि जैसे जैसे हमें हायर एक्टिविटीज अब जैसे हमको संबंध समझ में आ गया एक बार संबंध समझ में आ गया यानी हर एक के साथ संबंध समझ में आ गया फिर हमारे व्यवहार में भी वैसा ही होगा कि हम हर एक के साथ हमारे कार्य व्यवहार में हमें संबंध दिखाई देगा फिर हम उससे वापस नीचे नहीं गिरेंगे वहां से आगे ही बढ़ेंगे ऐसा इन दैट वे इट इज लीनियर नॉट साइक्लिक दिस इज व्हाट टू मी राइट ओके ओके थैंक यू नमस्ते नमस्ते दीदी सभी को नमस्ते दीदी एक थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी जैसे अपन आपने बोला कि राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग अपने में आते हैं तो अपन सुखी होते हैं निरंतर सुखी अगर राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग निरंतर आते हैं तो निरंतर सुखी होते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग राइट है कि नहीं ये अपन नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर करके अपन समझ सकते है ये राइट अंडरस्टैंड रूट अंडरस्टैंड राइट यस राइट अंडरस्टैंडिंग तब है जब हमें पूरा दिख गया अपने आप ना पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा दिख गया अभी लार्जली तो वो स्थिति नहीं है हमारी लेकिन हमें नहीं दिखा तो भी एक झलक हम सबके पास है वो रिफ्लेक्शन हम सबके अंदर है उसको हम सहज स्वीकृति कह रहे हैं तो सहज स्वीकृति जो है वो मतलब हम जब सिर्फ वो झलक दिख रहा है उसको हम सहज स्वीकृति कह रहे हैं लेकिन जब हम पूरा सिर्फ झलक ही नहीं हमें पूरा दिख ही गया सब कुछ है ना हाँ. तब हमें समझ में आएगा जो हम सही समझ कह रहे हैं ना वो है अस्तित्व को जैसा है वैसा देख पाना तो वो जब देखना होगा तब सिर्फ झलक के ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे ना अब तो हमने पूरा देख ही लिया फिर उसके आधार पर हमारा भाव विचार चलेगा है ना फिर वो बदलेगा नहीं क्योंकि हमने देख लिया जान लिया अगर हमारे अंदर ये क्वेश्चन है कि हम वहां तक पहुंचे हैं कि नहीं तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो एकदम दिख जाएगा उसमें फिर कुछ शंका नहीं रह जाएगी दीदी अब डेली रूटीन में अपन जब जी रहे हैं अभी तक तो अपन पहुंचे नहीं है अभी डेली अपन वी आर इन दैट पाथ तो उसमें जैसा नेचुरल एक्सेप्टेंस का रेफरेंस आता है तो अपन बोलते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस का एग्जांपल सबके साथ संबंध पूर्वक जीना शरीर का पोषण करना ट्रस्ट की भावना होना ये जो एग्जांपल्स है ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड दे आर प्रूवन वन ये परमानेंट है
तो ऐसे नेचुरल एक्सेप्टेंस के एग्जांपल्स दो तीन ही बार बार जब भी हम सुनते हैं किसी को या वीडियो में भी देखते हैं, तो ये दो चार चार पांच एग्जांपल्स दिए जाते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के। तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं बना नहीं है क्या, जैसे 10-20 नेचुरल एक्सेप्टेंस के एग्जांपल है, 50 नेचुरल एक्सेप्टेंस के एग्जांपल है, उसके कारण ये जो राइट डिसीजन लेना राइट अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकता है। तो खुद को एक्सप्लोर करके नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में सोचना, वो इम्बाइब करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ऐसे जो जैसे आप लोग हैं जिन्होंने उसमें स्टडी की है, आपको मालूम है, आपने ज्यादा एक्सप्लोर किया है, तो ऐसा कोई रेफरेंस के ऐसा कोई रेफरेंस मिल सकता है क्या जिसमें लिस्ट दिया हो, दीज आर द नेचुरल एक्सेप्टेंस। एक सिंपल चीज है, देखिए नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है उसको अगर आप व्यवहार में देखना चाह रहे हैं कि हम ये करें या ना करें, ऐसा विचार ठीक है कि नहीं है, अब मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस से पूछूं, तो वो जवाब आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटी है, उसमें आप गुम हो जाएंगे, इसलिए वो कोशिश भी ना करें। हमको विचार से ऊपर उठ के कम से कम भाव तक पहुंचना पड़ेगा। एक बार हम भाव पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप देखें तो हमारी जो हायर एक्टिविटीज हैं वो किसके लिए है? को एग्जिस्टेंस के लिए, है ना? हाँ, बराबर। के लिए, व्यवस्था के लिए, संबंध के लिए, यही है ना? तो हमारे अंदर जब भाव इनके लाइन में रहेगा तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के लाइन में है, जब इनसे कुछ भी अलग होगा तो लाइन में नहीं है। बस इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा, यू हैव टू चेक। लेकिन अगर हम विचार में उसको ढूंढ रहे हैं या व्यवहार में ढूंढ रहे हैं, अब बहुत गड़बड़ होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने कहा कि अभी आपने वो एग्जांपल लिया ना, शरीर का पोषण करना है, है ना? यस, बराबर। तो हम शरीर का पोषण करना चाहते हैं, ये हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के लाइन में है। यस, इतना तो समझ में आता है। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास हमारे में वो भाव होगा तो हम उस भाव के साथ शरीर का पोषण करेंगे। अब वो पोषण करने के लिए हम सपोजिंग हमको कुछ अनाज खाना है तो हम चावल के साथ भी चावल खाएंगे तो भी कर सकते हैं पोषण, है ना? बराबर। गेहूं खाएंगे तो उससे भी पोषण कर सकते हैं। बराबर। रागी खाएंगे, ज्वार खाएंगे, उससे भी पोषण कर सकते हैं। बाजरा खाएंगे, उससे भी पोषण कर सकते हैं। अब इतने सारे चॉइसेस हो गए, तो आप विचार में देखेंगे या व्यवहार में देखेंगे तो बहुत सारे चॉइसेस हैं। फिर कंफ्यूजन होता है, फिर लगता है कि ये सारा जो है इसको हम कैसे एक टू डू लिस्ट बना लें कि ये सही है ये गलत है, तो वहां बहुत कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा ये देख लें कि सही क्या है और हमारा भाव उसके लाइन में है कि नहीं। अगर हमारा भाव उसके लाइन में होगा तो विचार व्यवहार सब ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाएगा, फिर उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसलिए मेरे को ये ध्यान में आ रहा है कि जैसे आज के दिन हम जब शरीर के स्वास्थ्य को लेके बात करते हैं एलोपैथी में, तो हम इवन जो पढ़ाई कराते हैं बच्चों को एलोपैथी में, तो हम बीमारियों की पढ़ाई कराते हैं, ये बीमारी इसका ये है, इसका ये इलाज, ये ऐसा वैसा वो सब, हाइपरटेंशन के लिए ये करो, डायबिटीज के लिए ये करो, पार्किंसंस के लिए ये करो, ऐसा ऐसा करके हम पूरा जो पढ़ाई है वो लार्जली बीमारियों के बारे में है। बराबर। अब वो हर एक बीमारी को आप रटोगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, उसके उसको याद रखोगे, फिर उसमें क्या दवाई दें वो याद रखोगे, वो बेटर है? या हम देख लें कि भाई हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं वो देख लें, तो बहुत सिंपल है, आप ये कर लो, हेल्थ मेंटेन हो जाएगी, तो फिर बीमारी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा कि बीमारी छट जाएगी, आएगी ही नहीं। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसमें यही करने का काम है। अपने अंदर पूरा अस्तित्व तो ऑलरेडी व्यवस्था उसकी ठीक ठाक है, सब कुछ चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, सब पहचानना, निर्वाह करना, एक
से होते जा रहा है, अब हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें अपने अंदर वो जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनके प्रति जागृत होना है। तो उसके लिए ये सारा एफर्ट है, उसी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी बात हो रही थी, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ। तो जो पूरे अस्तित्व का पैटर्न है, अभी हमने भले ही वो पूरा ना देखा हो, लेकिन वो जो सहज स्वीकृति हमारे अंदर बनी हुई है उसको जब जब हम रिफर करेंगे तो हमें वो दिखेगा कि यही मुझे सहज स्वीकृत है, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न है पूरे अस्तित्व में। तो जैसे जैसे हम सहज स्वीकृति के आधार पर अपना भाव सही करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर जो ये B2 ब्लॉक में पूरा कंफ्यूजन है वो कम होते जाएगा। जैसे जैसे हमारा भाव विचार ठीक होता जाएगा, हमारे अंदर एक ना शांत स्वभाव बनते जाएगा, तब हमें धीरे धीरे वो जो हायर एक्टिविटीज हैं वो भी दिखने लगेंगी। हम उस पर ध्यान देंगे, हम उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे वो खुलने लगेंगी, हमें वो दिखने लगेगा और अल्टीमेटली हम ऑल द वे टू रियलाइजेशन वो सब दिखाई देगा। तो वहां तक पहुंचना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वहां पहुंचे बिना हम कुछ भी मान लेते हैं तो वो मान के जब तक हम जीते रहेंगे, ना तो हमारे अंदर सुख की निरंतरता हो पाएगी, ना हमारा व्यवहार निश्चित हो पाएगा, कार्य व्यवहार। तो वो निश्चितता लाने के लिए और अपने अंदर सुख की निरंतरता लाने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम पूरा ऊपर तक, रियलाइजेशन तक, अनुभव तक जाएं और अपने से देख पाएं कि ऐसा ही है अस्तित्व। एक बार दिख गया तो फिर वो हमें याद करने की या भूलने का कुछ वो नहीं है, फिर हम भूलते नहीं उस बात को, वो हमें दिख गया, हम जान गए, फिर उसके आधार पर हम अपना भाव विचार चलाते हैं, तो फिर वो निश्चितता भी आ जाती है और हमारा भाव विचार ठीक रहता है तो हम सुखी रहते हैं, और उसके बेसिस पे फिर हमारा ऑटोमेटिकली विचार भी वैसे ही चलने लगता है और बहुत ही एक नेचुरल सहज तरीके से हमारे व्यवहार में भी वो आ जाता है, तो फिर उसमें इतना एफर्ट नहीं लगता। इसको एक्शन इन इनएक्शन ये टर्म्स में बोलते हैं, गीता में भी बोलते हैं, लाओत्सु की आपने सुनी होगी बात, वो वहां भी यही बात होती है कि एफर्टलेस एक्शन। एक बार वो दिख गया और एक बार हम उसके लाइन में आ गए तो बहुत ही एक सहज नेचुरल तरीके से हमारा विचार, हमारा व्यवहार सब उसके लाइन में आ जाता है। लेकिन जब तक वो होगा तब तक थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। वो एफर्ट वही है कि हमारा भाव ठीक रखें और हम अंदर को ध्यान दें। अभी हमारा बाहर बहुत ध्यान जाता है इसलिए फिर वो अंदर का छूट जाता है, तो हमें बाहर से ही देख के हमें लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा, करें कि नहीं करें, अब हम ना दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों करें। अभी हम बाहर ही देख रहे हैं, अपनी सहज स्वीकृति पे ध्यान दें, अपने को क्या क्या हम चाहते हैं वो देखें, फिर उसके बेसिस पे जब हम चलने लगते हैं तो धीरे धीरे वो रास्ता अपने आप खुलते जाता है, ज्यादा ज्यादा दिखाई दे रहा है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जो हम कहते हैं कि वननेस में पूरा देखे और फ्लो में रहे, पर ऐसा हो नहीं पाता है और ऑन ऑफ ही होता है, मतलब जिसको हम कंटिन्यूटी चाह रहे हैं वो नहीं, और जैसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि सारी इकाइयां सम्मर्ज्ड है और ये अस्तित्व है, ये धरती है, ये आसमान है और उसमें पेड़ है, उसमें एनिमल है, आदमी है, और फिर आदमी में भी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो कॉन्शियसली हम जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं वो मतलब फिजिकल चीजों में, बाहरी दुनिया में, जो हमारा
शारीरिक लेवल पे खाना पीना और रहना है या कमाना है, पैसा चाहिए, कपड़ा है, फिर सोसाइटी में जाना, फिर उनके लिए काम देखना है, अपने लिए देखना, पर ये जो ऑन ऑफ वाला मामला है ना, कंटिन्यूटी चाहिए, समझ भी रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको लग रहा है कि हाँ ये है, लेकिन वो लाइफ में लेके आना, और जैसे भाव का हम कहते हैं, भाव तो मतलब विचार में ज्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग में, लेकिन उसको भाव के साथ में, किसी के साथ में आना थोड़ा टफ हो जाता है, वो मेरे को पकड़ में ही नहीं आ रहा। मैं बहुत कोशिश में लगी हूँ उसके समझ, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, फिर भी मेरे पास नहीं आ पा रही चीज। जी आपने वो एक्सरसाइज 1 और 2 पहले किया है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। हाँ मैंने किया है एक बार, मैं काफी सुनती रही हूँ चीजों को, लेकिन ऐसा रहता है कि वो जैसे याद, हमने सुना याद करने के लिए, मेमोरी में किसी को सुनाने के लिए, लेकिन जीने के लेवल पे जहाँ देखने जाते हैं तो वो इन सारे चक्करों में फंसे रहने के बाद अपने आप से जो बात है वो थोड़ी ठीक बात है। ठीक बात है। पहले तो हमारे हमारे पास सूचना आती है ना, इन्फॉर्मेशन ही आती है सबसे पहले, तो वो सूचना आई उसके बेसिस पे ना हमने कुछ शब्द सुने, उसका हमने कुछ अर्थ निकाला, है ना, अपनी मान्यता के साथ जोड़ के ही हम हर चीज को देखते हैं, है ना। तो अगर हमने ये मान रखा है कि मैं शरीर हूं, तो अब जब हमें जो भी मिलेगा हम उस मान्यता के थ्रू ही देख रहे हैं उसको। तो हालांकि हमने सुन लिया संबंध का भाव, हमने सुन लिया कि ना अस्तित्व में ऐसा है ऐसा है, वो सब सुन लिया हमने, लेकिन हमारी मान्यता तो वही है कि हम शरीर हैं, तो दूसरा भी शरीर है, तो उस बेसिस पे फिर हम वो जो संबंध का भाव है वो तो बिना कहीं गिर जाता है, भूल जाते हैं हम उसको। हाँ मतलब शरीर के लेवल पे तो संबंध होता ही नहीं है चीजें, वो तो बहुत ऑन ऑफ है, लिमिटेड है सारी चीजें, लेकिन फिर भी मतलब मैं और मेरा शरीर, इसमें डिफरेंशिएट दिन भर करना कि मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मेरा चेतना के साथ क्या आ रहा है, और शरीर के लेवल पे जो सेंसुअल लेवल पे है या प्री कंडीशनिंग लेवल पे, उसको कैसे दिन भर अपनी बातों में ही डिफरेंशिएट किया जाए, ये वाली बात है। जी तो अभी भी हम देखें तो हम ना बाहर ही ज्यादा ध्यान देते हैं उस चीज के लिए। एक तो ये कि दिन में किसी टाइम आधा घंटा निकालें जो अपने आप में बैठ के, जब ऐसे समय पे जब कुछ डिस्टरबेंस ना हो, जब आपकी कुछ इमीडिएट ना कुछ एक क्या बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक काम ना हो, जब आप फ्री हो, वैसे टाइम पे आप समय निकाल के आधा घंटा आंखें बंद करके बैठिए। हम वो भी करने जाते हैं तो अक्सर हमारे को बहुत, हमारा माइंड रेस कर रहा होता है, अब मुझे आगे ये करना है वो करना, मैं ऐसे ही बैठी हूँ, देखो वहां क्या हो रहा है, ये ऐसा सब हमारा माइंड घूमेगा, और वो उसका नेचर है, वो करेगा, हमारा मन भागेगा इधर उधर, लेकिन जो भी आप का मन जहां भी जा रहा है उसको जाने दीजिए, रोकिए मत, लेकिन बस देख लीजिए उसको। हम क्या करते हैं, हम उसी में घुस जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम बैठ के भी बाहर हैं, हमने आंखें बंद कर ली, लेकिन हमारा मन तो वही सब रिसाइकल कर रहा है जो हमने दिन भर में किया है ना, वही सब बातें हैं फिर से हम सोच रहे हैं, तो उसमें ना घुसें, लेकिन देखें कि मन में ये सब चल रहा है, उसको देख लें। तो जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे मन शांत होते जाएगा, जब तक हम उसको ना और अग्नि देते जाएंगे, जब तक हम उसको उसमें घुसते जाएंगे तो वो और भड़कते जाता है ना, आग को हवा पीने जैसा होता है, वो भड़कते जाता है और, लेकिन अगर उसको शांत करना है तो उसको सिर्फ देखें दूर से, उसमें घुसे ना, तो जैसे जैसे देखते जाएंगे वो धीरे 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 मन थोड़ा शांत होता जाएगा,
तो क्या ठीक होते जाएंगे, फिर आगे की जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे विकसित होंगी, बट सबसे पहले तो हम अपने आप को थोड़ा सा अंदर लाएं। अभी हमारा ध्यान बाहर ही रहता है, फिर क्या होगा कि हम अंदर भी ध्यान देंगे बाहर भी ध्यान देंगे, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। प्रभात कुमार जी, हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते, हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ दीदी, मुझे पूछना है कि इसमें जो यूनिट है ये लिमिटेड इन साइज लिखा है, तो जड़ का तो समझ में आता है, तो क्या ये सेल्फ और चेतन भी लिमिटेड इन साइज है? ऐसा ही कहा जा रहा है कि चैतन्य भी जो कॉन्शियसनेस यूनिट है वो यूनिट लिमिटेड है साइज में। कैसे दीदी जी, समझाइए जरा इसको एक बार। कैसे यानी? अब जड़ को तो हम देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमें वो दिखाई दे, लेकिन हम देख रहे हैं अपने शरीर की आंखों से, तो जड़ तो हमें दिखाई देता है कि सब ना एक जैसे कोई पेड़ है, कोई यूनिट है, लेकिन उसके बाहर हवा है, कुछ है, तो हमने कहा ये एक फॉर्म है तो ये लिमिटेड इन साइज है। लेकिन जब बात चैतन्य की आती है तो चैतन्य उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है ना? और वो हम अगर अपने आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें दिखेगा नहीं, उससे बहुत ज्यादा। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि ये पिन पॉइंट है या वो ऐसे परिक्रमा करता रहता है जो भी, लेकिन वो सब एक फिर एक और मान्यता बन जाती है। तो अभी के लिए इसको खुला ही रखें, ये माने ना कि ये लिमिटेड इन साइज है ही, ऐसा मानिए मत, लेकिन उसको डिसबिलीव भी मत करिए, अभी उसको खुला रखिए, धीरे धीरे वो दिखाई देगा। सेल्फ जो है वो भी लिमिटेड इन साइज, अंदर एक्टिविटी है, लेकिन जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है साइज में, उसके अंदर एक्टिविटी नहीं है, वो अनलिमिटेड। अक्सर क्या होता है, हमें वो कंफ्यूजन होता है कि हमने कहीं पढ़ा होगा, हमने कुछ देखा होगा, तो हम वो अगर आप सह अस्तित्व को देखें तो सह अस्तित्व में जो इकाइयां हैं वो व्यापक में इमर्स्ड है, सबमर्ज्ड है। अब वो पूरा एक साथ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा एक ही है, वो जो वननेस की बात होती है, लेकिन और उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें इकाइयां हैं, इकाइयों में जड़ इकाइयां भी हैं, चैतन्य इकाइयां भी हैं, और उसमें जो शून्य है, जो व्यापक है, वो पूरा फैला हुआ है, बाहर भी अंदर भी सब जगह। तो अगर हम उसको अलग अलग नहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा एक ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा हो तो इसलिए हमें वो कंफ्यूजन लगता है, लेकिन अभी उसको खुला ही रखें। जैसे जैसे हम हमारी ना हमारा जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी, हमारी योग्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें धीरे धीरे वो दिखने लगेगा। ठीक है? हाँ जी दीदी जी। आशुतोष वाजपेयी जी। हाँ प्रणाम दीदी, आवाज आ रही थी? आ रही, आ रही।
हाँ दीदी, अभी आपने बोला कि हम सुखी होके के काम कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे मान्यता मेरी बन रही है कि मैं सुखी तब होऊंगा जब मुझमें सही समझ होगी, संबंधों को मैं समझ पाऊंगा। और ये मानना ही नहीं, कुछ हद तक जानना भी है कि जब मैं सही समझ से काम करता हूँ और संबंधों का निर्वाह समझ करके कर पाता हूँ, संबंधों को समझ के कर पाता हूँ, तब मैं सुखी होता हूँ। तो दीदी ये थोड़ा सा इसमें नहीं समझ आ रहा है कि हम सुखी हो के भी ये काम कर सकते हैं। तो सुख जो मुझे लगता है कि वही बात आती है कि सही समझ, सही संबंध को देखते हुए, अस्तित्व को समझते हुए जब काम करते हैं तब मैं सुखी होता हूँ। तो क्या इससे कुछ हट करके है जो हम अभी इमीडिएट सुखी हो सकते हैं, और यदि हो सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं दीदी? जी, बात सिर्फ इतनी है कि हम अभी निरंतर सुखी नहीं होते, इसलिए सारी परेशानी है। सुखी तो बीच बीच में होते रहते हैं कि नहीं? बीच बीच में सुख का अनुभव करते हैं कि नहीं? दीदी मेरा ये मानना कि सुख हमें तभी होगा जब मैं सही समझ से काम करूंगा और संबंधों को समझ करके, अस्तित्व को समझ करके करूंगा, तभी मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। तो इज इट लाइक दैट, इस तरह से है या? अभी इस क्षण ठीक है, अगर मेरा भाव सही है, इस क्षण अगर मेरा भाव सही है, सही मींस हमारी सेहत स्वीकृति के लाइन में है, करेंगे कि नहीं? मैंने कहा अभी इस क्षण अगर हमारा भाव सहज स्वीकृति के लाइन में है तो हम सुख को अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे ना, तो अभी भी हम कर ही रहे हैं ना, टाइम टू टाइम। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कंटिन्यूटी में नहीं हो पा रहा, कभी कभी होता है। जब जब हम अपने भाव के प्रति सजग होते हैं, जब जब हम अपनी सहज स्वीकृति को ना ध्यान में रखते हुए अपने भाव को ठीक रखते हैं, तब तब हम सुखी होते हैं। जब जब हम नहीं रखते हम दुखी होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है ना। तो अभी इस क्षण मुझे क्या रोक रहा है सही भाव रखने से? अगर मैं इस क्षण सजग हूँ और अपनी सेहत स्वीकृति से ये गाइडेंस लेती हूँ, तो मैं अपना भाव इस क्षण ठीक रख सकती हूँ, है ना जी। अब अगर इस क्षण रख सकती हूँ तो अगले क्षण भी रख सकती हूँ, उसके अगले क्षण भी रख सकती हूँ, उसके अगले क्षण भी रख सकती हूँ। पॉसिबिलिटी तो दिखती है ना। बिल्कुल। तो हम ये हुई मतलब वो बात कि हम सुख को अनुभव करके बाहर, एक तो हमें अंदर वो एहसास हुआ कि भाई हमारे अंदर अभी हार्मनी है, हमें अच्छा लग रहा है ना जी। और फिर इसके साथ हम बाहर भी दूसरे के लिए हमारा कंसर्न जाता है, है ना, हम एक उदारता के साथ दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है ना। तो सुखी होकर हम दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। बात हो रही थी कि अगर हम पहाड़ चढ़ रहे हैं और हम यही सोचते रहे कि जब हम ऊपर पहुंचेंगे तभी हम सुखी होंगे, और हम रास्ते भर यही रोना रोते रहे कि हम ऊपर पहुंचेंगे तभी सुखी होंगे, तो हम रास्ते भर दुखी ही रहेंगे ना, क्योंकि हमने मान लिया कि हमारा सुख तो वहीं जाके होगा। ये तो हमारा मानना है, क्योंकि हम इस क्षण इसी क्षण वो पहाड़ चढ़ते समय पूरे जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, अच्छी हवा चल रही है, वो सब महसूस कर सकते हैं, अच्छा भाव रख के खुश रह सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। लेकिन हमने मान लिया कि वहां जाकर ही हम सुखी होंगे, मतलब क्या कि हम ये पूरी जर्नी में हम सुखी नहीं हो सकते। हाँ दीदी, क्लियर है बिल्कुल, स्पष्टता ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दीदी जी, थैंक यू। थैंक यू। और भी कुछ हैंड्स रेज हैं, लेकिन समय हो गया तो आई थिंक हमें यहाँ रोकना होगा। पर इस पे रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा सोचें, और मैं असाइनमेंट भी ग्रुप में डाल दूंगी। अभी के लिए इतना ही। जी दीदी, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन इन द हिंदी पार्ट आल्सो।